बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, इसके डिफरेंट सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमने बताना है एक्स ग्रेटर देन 0 जो है कहाँ पे है। देखिए हम प्लेन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई, इसमें हमने क्योंकि लोकेशन बतानी है, ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स डैश कहेंगे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाई डैश यानी नेगेटिव वाई एक्सिस है। एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। इन दोनों क्वाड्रेंट्स को अगर हम कंबाइनली कहें तो हम इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन। ठीक है, अगर एक्स लेस देन 0 हो तो उसमें ये दोनों क्वाड्रेंट आ जाएंगे इस वाले पोर्शन को, यानी वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड को लेफ्ट हाफ प्लेन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी भी, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस है, ये भी टू पार्ट में डिवाइड करता है। अगर वाई ग्रेटर देन 0 होता सपोज, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बना था, तो फिर हमने कहना था अपर हाफ प्लेन। इसी तरह से अगर ये बात, यही क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, अगर वाई लेस देन 0 कहते तो ये दो क्वाड्रेंट बनने थे, इसको हम लोअर हाफ प्लेन कहेंगे। ठीक है, इस टाइप की कोई भी कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 0 का भी मैंने बता दिया, एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो राइट हाफ प्लेन, एक्स लेस देन 0 हो तो लेफ्ट हाफ प्लेन, अगर वाई ग्रेटर देन 0 हो तो अपर हाफ प्लेन, और अगर वाई लेस देन 0 हो तो फिर लोअर हाफ प्लेन आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखें इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। तो मैंने आपको उस दिन क्वाड्रेंट की जो है वो बताई थी डिटेल, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी सारे क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो जब भी एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। सपोज अगर कहते एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0, तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाना था, क्योंकि इसमें एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई इसमें नेगेटिव आ गया। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, तो तब हम इसको कहते, देखें एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाना था। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए एक्स लेस देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो लेस देन 0, तो जहां पे ये दोनों वैल्यूज ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो है थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है एक्स इक्वल टू 0। अब देखें वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में एक्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट, इस वाली लाइन के ऊपर हम जब भी पॉइंट लेंगे इस टाइप के होंगे, 0 और 1 है सपोज, 0 और -1 क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, 0 एंड -2, 0 -3। ठीक है, इनके बिटवीन में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब में एक्स की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव में वेरी करेगी। इसी तरह से इसके अपर साइड पे भी जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें एक्स का आंसर जो है वो 0 होगा, वाई की वैल्यू जो है वही वेरी करेगी, 0 से 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर एक्स का आंसर हमेशा 0 होगा, यानी उसका एक्स कंपोनेंट हमेशा 0 होगा जितने भी पॉइंट्स होंगे। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वाई इक्वल्स टू 0, ऑब्वियसली अब आपको आइडिया हो गया होगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाई के जितने भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका वाई कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है, इस साइड पे भी
और इस साइड पे भी इस टाइप के पॉइंट्स होंगे। एक्स का आंसर सपोज यहाँ पे 1 है, लेकिन वाई का आंसर 0 आ जाएगा, फिर 2 है और वाई का आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस साइड पे इनके बिटवीन भी जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें भी इस साइड पे भी एक्स की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, 1, 2, 3 सो ऑन, और जो वाई का आंसर है लेकिन वो हमेशा 0 ही रहेगा इस एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स का कोई सा भी आंसर हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो जो इसका आंसर है या इसकी लोकेशन है, ये सारे का सारा एक्स एक्सिस है। इसके बाद फिफ्थ दिया हुआ है इसका पार्ट, एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स लेस देन 0, एक्स नेगेटिव हो। अब देखें एक्स नेगेटिव कहाँ हो सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। वाई ग्रेटर देन 0, लेकिन वाई पॉजिटिव होना चाहिए। वाई पॉजिटिव कहाँ होगा, सेकंड में। अगर हम थर्ड में चले जाएंगे तो फिर एक्स का आंसर जो है यहाँ पे वाई का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स का नेगेटिव चाहिए, वाई का आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे। और वाई इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, अगर हम ये इक्वल टू ना होता 0 तो फिर सिर्फ इसका सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आ जाना था। अब इक्वल टू 0 का मतलब है वो पॉइंट्स भी शामिल है जहां में वाई का आंसर 0 है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन, ठीक है, ये ओ एक्स डैश, या हम ये कह सकते हैं एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट इसमें शामिल है, क्योंकि एक्स नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और वाई इक्वल टू 0। अगर जस्ट वाई इक्वल टू 0 हो तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस होगा, लेकिन साथ में ये एक्स लेस देन 0 का है तो सिर्फ इधर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन भी इसका सोल्यूशन कह लिए है या इसकी लोकेशन है, और ये सारा क्वाड्रेंट भी जो है इसकी लोकेशन, ये के जितने भी पॉइंट जिनमें ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी तो वो पॉइंट या तो इसके अंदर हो सकता है या इस लाइन के ऊपर हो सकता है। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, एक्स इक्वल्स टू वाई। अब देखिए एक्स इक्वल टू वाई इसका मतलब है जो आंसर एक्स का हो वही आंसर वाई का हो। इस टाइप के पॉइंट्स होंगे 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, -1, -1, जितने भी पॉइंट्स हों उसमें एक्स और वाई का आंसर जो है वो एक जैसा हो। ये देखें इधर 1 है, इस साइड पे भी 1 है, यहाँ पे अगर मैं 2 लूंगी इस साइड से भी 2 आ जाए, या सपोज इसका 1.5 है इससे भी 1.5 है, यहाँ से जितने भी पॉइंट्स जिन सब में एक्स का और वाई का आंसर सेम हो, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, 1 1 है या 2 2 है या 3 3 है या 1.5 और 1.5 है, यानी पॉइंट्स में भी हो सकते हैं 1.2 और 1.2 है, या इस क्वाड्रेंट में भी देखें, इन दो क्वाड्रेंट्स में इसलिए ये नहीं होंगे क्योंकि इसमें अगर वाई का आंसर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक्स का आंसर नेगेटिव होगा, फिर उसमें एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम चले जाएंगे तो अगर एक्स का आंसर पॉजिटिव है तो वाई का आंसर यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी वो पॉइंट नहीं होंगे। इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में होंगे जिनमें एक्स और वाई दोनों के आंसर जो है सेम होंगे, या दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। वो एक्चुअली अगर हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये ऐसे लाइन यहाँ पे आएगी, वो लाइन जो कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इनमें ये बिल्कुल मिड में होगी इनके, यानी अगर ये 90 के एंगल है, 45 के एंगल पे ये जो लाइन होगी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को, थर्ड क्वाड्रेंट को सॉरी, इंटरसेक्ट करने वाली इस लाइन के ऊपर वो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं पॉइंट्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स हैविंग इक्वल एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, या हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के और थर्ड क्वाड्रेंट के वो सारे पॉइंट्स इसका जो है, इसकी लोकेशन जो है वो है जहाँ पे इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा जो है वो सेम हो, या कह लें जहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सेम होगा, तो वो यही वाली लाइन आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेवंथ इसका पार्ट, उसमें है एक्स मॉडुलस इक्वल्स टू वाई
मॉडुलस। अब एक्स मॉडुलस, अब आपको पता है जब मॉडुलस किसी भी वैल्यू का, पॉजिटिव वैल्यू का ले लें या नेगेटिव वैल्यू का ले लें, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। यानी वो सारे पॉइंट जिनमें एक्स का भी मॉडुलस ले लिया जाए और वाई का भी मॉडुलस ले लिया जाए, तब वो इक्वल हो। सपोज देखें 3 है और -3 पॉइंट है हमारे पास। अब देखें इसका मैं मॉडुलस लूंगी तो ये 3 का वो 3 आ जाएगा, अगर -3 का मॉडुलस लूंगी वो भी 3 आ जाएगा। यानी जिनकी मॉडुलस वैल्यूज के आंसर जो है वो सेम आ जाए हमने वो बताने हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पॉजिटिव हों तब भी, दोनों नेगेटिव हों तब भी, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, या वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, लेकिन उनके मॉडुलस की वैल्यू ये नहीं हो सकता कि ये 2 है और ये 3 है, फिर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है देखिए डिफरेंट हो जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी, यानी पॉजिटिव तो हो जाएंगी तो, लेकिन आंसर भी उनके सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों आंसर नंबर वही होना चाहिए जैसे 3 है, चाहे वो पॉजिटिव में हो जाए चाहे वो नेगेटिव में हो जाए। तो एक तो यही लाइन आ जाएगी जो भी हमने पढ़ी, जिसमें एक्स और वाई को, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव, दूसरी लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यानी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली, इसमें देखें अगर एक्स का आंसर नेगेटिव है तो वाई का आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, सारे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके आंसर्स तो सेम होंगे, एक्स और वाई की मॉडुलस वैल्यू सेम होगी, लेकिन वैसे देखेंगे तो एक्स का आंसर नेगेटिव वाई का पॉजिटिव होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे, वाई की नेगेटिव्स होंगी लेकिन एक्स की पॉजिटिव होंगी, लेकिन उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जैसा कि मैंने बताया वो इक्वल होंगी। तो ये दोनों ही लाइन्स हो सकती हैं। और अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स इक्वल, और पॉइंट इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स इक्वल बट ऑपोजिट इन साइंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एक्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यानी वो सारे पॉइंट्स जिनमें एक्स का मॉडुलस लें तो वो या तो 3 हो या फिर 3 से बड़े हो। यानी अगर सपोज हम इसको देख लें, एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये नेगेटिव 3 की भी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव 3 की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 3, ये देखें यहाँ पे सपोज 1, 2 और ये 3 है, ये लाइन है देखें। और इसी तरह से अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव लूँ भी, मैं आपको दोनों को बता देती हूँ, यहाँ पे 1, 2 और ये 3, एक्स नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस की बात करी है तो हमने एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव दोनों के लिए देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे है 4, 5, नेगेटिव है इस साइड पे, यहाँ पे 4, पॉजिटिव 4, 5। अब देखें जिसका मॉडुलस या तो 3 हो या उसका मॉडुलस जो है 3 से बड़ा हो। अब देखें यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर सपोज यहाँ पे -4 है, -4 का मॉडुलस लेंगे तो वो ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -5 है, उसका मॉडुलस भी 3 से ग्रेटर आ जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है -3 है, उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 3 ही आ जाएगा, यानी या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो। तो इस लाइन के इस साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के मॉडुलस के आंसर जो है 3 से ग्रेटर होंगे, और इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं उन सब का मॉडुलस जो है वो 3 होगा। इसी तरह से अब देखें इस लाइन के इस साइड वाले, देखें यहाँ पे सपोज देखें जैसे मैंने बताया एक्स का आंसर जो है वो अगर 4 आ जाए तब भी उसका मॉडुलस जो है 3 से ग्रेटर, 5 आ जाए, 4.5 आ जाए, 4.1 आ जाए, 3.1 आ जाए, 3.9, जितने भी इस साइड पे पॉइंट्स होंगे उन सब के जो मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 3 से ग्रेटर होगी, या इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे, दिस लाइन इज एक्स इक्वल्स टू 3, दिस लाइन इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो अब इस लाइन के ऊपर या इसके इस साइड पे, और इस लाइन के ऊपर या इसके इस साइड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में एक्स की मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है या 3 से
ग्रेटर होगी। अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम कहेंगे पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस लेस देन और इक्वल टू -3, ठीक है, -3 हो या इससे छोटे होंगे इस साइड पे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू +3, ठीक है, इस साइड पे +3 से बड़े नंबर, ठीक है, जितना भी, और इस साइड पे छोटे नंबर, क्योंकि जितना नेगेटिव नंबर जो है वो बड़ा होता जाता है, जैसे -3 था, -4, एक्चुअली वो उससे छोटा होता है, नेगेटिव लगा दें तो जितना भी नंबर बड़ा होगा नेगेटिव लगाने से उतना ही वो छोटा होता जाएगा, तो या तो इससे छोटे वाले -3 से या इस 3 से बड़े वाले, जहाँ पे एक्स का आंसर 3 से बड़ा है। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड वाई इक्वल्स टू 2। वाई इक्वल्स टू 2, जैसे यहाँ पे 1 और 2, जैसे हमने अभी ये वाली लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे अगर 1 है, ये 2 है, तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन वाई इक्वल्स टू 2 है। इस लाइन के वो सारे पॉइंट साथ में जिसमें एक्स का आंसर ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि हमने ये दोनों कंडीशन देखनी है, तो एक्स का आंसर यहाँ पे अगर सपोज 1 है, यहाँ पे एक्स का आंसर 2 था सपोज, तो इससे इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, एक्स का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 2 हो और वाई का आंसर एग्जैक्टली 2 हो, तो इस लाइन के ऊपर के इससे इस वाली साइड वाले जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, अगर यहाँ पे मैं दारी, अगर एक्स का आंसर 2 हो, तो ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, ये जो 2 है जहाँ पे एक्स का आंसर, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 का है, इक्वल टू 2 नहीं का, 2 से बड़े, 2 से बड़े सारे इस साइड पे होंगे, जिनमें वाई का आंसर इस लाइन पे सबने जो है वो ऑर्डिनेट 2 आएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। तो इसको अगर हमने स्टेटमेंट में लिखना होगा तो फिर हम लिखेंगे पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विद ऑर्डिनेट 2 एंड एब्सिसा ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे और इस लाइन के ऊपर होंगे। इसके बाद लास्ट है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन, यानी आपने बताना है एक्स और वाई के ऑपोजिट साइन जो है वो कहाँ पे हैं। जाहिर है ये तो आपको क्लियरली पता ही होगा, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम सिंबल होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके सिंबल्स जो है वो ऑपोजिट होते हैं। जितने भी पॉइंट जो है वो इस क्वाड्रेंट में होंगे या जितने भी पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में होंगे, उन सब में अगर एक्स का आंसर पॉजिटिव है तो वाई का आंसर नेगेटिव होगा, अगर वाई का नेगेटिव है तो फिर एक्स का पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इनमें ये ऑपोजिट साइन होगा। अगर सेम साइन की बात करते तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट कहते, ठीक है, वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, डिफरेंट हो, सेम हो, कुछ भी हो, लेकिन जस्ट सिंबल्स की बात उन्होंने की है कि सिंबल्स जो है वो ऑपोजिट होंगे, तो आपने सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बताना है।